वेलकम अंजुम की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अंजुम का प्यार भरा सलाम। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी लजीज सी फिश बिरयानी। मछली की बिरयानी हम बनाते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो कि झटपट तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए हमने जो सामान लिया है आपको बता देते हैं। हमने यहाँ लिया है बड़ी सी सुरमई फ़िश, जिसे किंग फिश भी कहते हैं और माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी साइज़ में मिल गई है। तो 2 किलो के करीब, मतलब ये 8-9 पीसेज हैं, ये हमने यहाँ ले लिया है। तो चलिए यहाँ हमने मसाला आपको बता देते हैं। हमने मसालों में यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा पाउडर है, और जो नमक है वो मछली के मुताबिक मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है। हल्दी जो है 1 छोटा चम्मच, मतलब 1 टी स्पून है। ये जो मसाले हैं सब हम मछली के ऊपर लगाने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नींबू का रस। नींबू के रस से बहुत अच्छी सी खटास आ जाती है और मछली बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी लगती है। तो ये 2 नींबू का रस है जो कि 3 टेबल स्पून के करीब है, ये हमने इसमें डाल दिया। इसे हम मिला लेते हैं, और अगर एक्स्ट्रा हमें थोड़ा सा पानी अगर ऐड करना पड़ा तो हम ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना है, लेकिन बस इतना रहे हमारी कंसिस्टेंसी कि बहुत अच्छी तरीके से हमारी मछली के ऊपर ये जो मसाले हैं वो कोट हो जाएं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसे फिर एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया और बिल्कुल अभी सही है, इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। अब हम अपने एक एक पीसेस लेते हैं और बहुत एहतियात से हम इसके ऊपर ये मसाला कोट करते जाएंगे, बड़ी प्यार से, बहुत सलीके से, तमीज़ से, और इस पे मसाला बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है। ये जो मछली है ये बिरयानी में इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि इसमें कांटे बिल्कुल भी नहीं होते, सिर्फ 1 मोटा कांटा होता है इसमें, तो खाने में भी ईजी होता है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ़ रहती है ये, और कांटा चुभने का कोई डर नहीं रहता। तो देखिए इस तरीके से हम सारा मसाला अपनी मछलियों पर लगा देंगे, और साइड में मसाला इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि जो इसकी स्किन होती है बहुत स्लिपी होती है, तो मसाला वहाँ टिकता नहीं है। तो देखिए सारे पीसेस को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मछली पे कोट कर लिया। चलिए अब चलते हैं हम अपने चावलों की तरफ। हमने यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, पानी हमारा बॉईल हो चुका है। हम इसमें ऐड कर देते हैं गर्म मसाले खुशबू के लिए, जिसमें हमारे चावल जाने वाले हैं। चावल को हमने 1 घंटा पहले सोख करके रखा हुआ था। तो चलिए यहाँ पे 2 तेज़पत्ता हैं, 3 कलमी हैं, 6-7 लौंग हैं और 6-7 काली मिर्ची हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब नींबू का रस, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। नींबू का रस और ऑयल ऐड करने से आपके जो चावल हैं बहुत खुले खुले से, फरेरे फरे से बनते हैं और ये चिपकते नहीं हैं। जब भी आप बिरयानी के चावल या सादे चावल बनाएं तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस या तेल हमेशा ऐड कर दिया करें, उससे चावल बहुत खुले खुले से बनते हैं। तो चलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारे चावल। यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब मेरे चावल हैं जिन्हें 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। ये अन करीब 4 कप चावल हैं, और ये जो चावल अगर आपके बासमती हैं तो आप इसे आधे और 1 घंटा पहले सोख करिए, सोख करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। और दूसरे क्वालिटी के चावल हैं सेलम वगैरह जो ज़्यादा सख्त होते हैं, अगर आप उसकी बना रही हैं तो कम से कम 2 घंटे पहले आपको सोख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक। नमक हम यहाँ पर 2-3 चम्मच डाल रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर नमक ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम चावलों को पसाने वाले हैं। चलिए चलते हैं हम मछली फ्राई करने के लिए। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं हमारी मछली हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है और जो हमारे पीसेस हैं वो हम यहाँ पे शैलो फ्राई कर रहे हैं। हर पीस को हम यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए, और जब तक हमारे चावल भी वहाँ बॉयल होना शुरू हैं। चावल के लिए मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि चावल को सिर्फ हमें 70% पकाना है, मतलब हमें 3 कनी उसमें रहने देना है। जनरली हम जब कॉमन अपने रोज़मर्रा के चावल पकाते हैं तो हम उसमें दम से पहले सिर्फ 1 कनी रखते हैं, लेकिन जब भी हम बिरयानी बनाएं तो हमें उसे कम से कम 3 कनी रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा होता है कि जो चावल है वो चिपक जाते हैं या टूट जाते हैं। तो देखिए हमारी फ़िश यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन गोल्डन सी फ्राई हो रही है और बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है इस फ़िश की। तो चलिए चलते हैं हम चावलों की तरफ। हमें चावल को बिल्कुल भी अटेंड करते रहना है। देखिए 3 कनी मेरे चावलों में बच गई है।
आपको तीन व्हाइट टुकड़े दिख रहे होंगे, उसे कनी कहते हैं। तो तीन कनी जब बची हुई है मैं इसे पसा देती हूँ, मतलब मैं इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देती हूँ। तो मैंने सारा पानी ड्रेन कर दिया और अब मैं ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी इस पर डाल रही हूँ ताकि उसका जो कुकिंग प्रोसेस है चावल का वो वहीं पर थम जाए। चलिए चलते हैं हम मसाला बघारने की तरफ, जो कि हमारी बिरयानी का मसाला है। इसमें हमने तीन तेज़पत्ते डाल दिया, दो बड़ी इलायची डाला है, तीन चार हमने हरी इलायची डाला है और दो अदद मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। बिल्कुल खागीने की तरह जो हम प्याज को कट करते हैं उस तरीके से इसे चॉप करके मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ये हो कि खुशबू आने लगे और ये ट्रांसलूसेंसी हो जाए। तो देखिए अब खुशबू आ रही है, हम इसमें ऐड कर देते हैं हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का जो पेस्ट लेके रखा है। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी बिरयानी चटपटी सी बने 6-7 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है और अब हम इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसे भूनेंगे हम कम से कम 3-4 मिनट तक, ताकि हरी मिर्ची, प्याज, गरम मसाला ये सब अच्छी तरीके से भुन जाए। मसाला भुन चुका है, साइड में तेल आ चुका है, हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून हल्दी। यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून के करीब लाल मिर्ची। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हरी मिर्ची भी जा चुकी है इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब धनिया का पाउडर और हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच मतलब 1 टीस्पून गरम मसाला, जो कि मैंने घर में ही पीस के रखा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। हमें इन सारे मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है और इसी पे हमारा सारा जायका बिरयानी का डिपेंड है। तो देखिए अगर आपको लगता है कि ये सूख रहा है तो थोड़ा पानी डाल के भून लीजिए। अच्छा अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, जो कि मैंने 3 टमाटरों को यहाँ पर ग्राइंड करके रखा है, प्यूरे बना के रखा है। इसमें ऐड कर देते हैं 2 चमचे नींबू का रस, क्योंकि खट्टी खट्टी मछली की बिरयानी बहुत ही अच्छा जायका देती है। तो सारी चीज़ें इसमें चली गई। ऐड कर देते हैं हम इस मसाले के मुताबिक इसमें नमक, जो कि मैंने 2 छोटे चमचे ऐड किया है। नमक थोड़ा हम देखकर ही डालेंगे क्योंकि चावल में भी हमने बॉईल होते वक्त नमक डाला था, फिश में भी मसाला जब लगाया है उस वक्त भी उसमें हमारा नमक गया है, और यहाँ पर भी हम नमक थोड़ा देख के डालेंगे। ढक करके इसे थोड़ा पकने देंगे ताकि मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भुन जाए। तो देखिए मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, यहाँ पर खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है, तेल भी बाजू में आ गया है। अब हम क्या करेंगे ताकि हमारा वेस्ट ना हो, जिसमें हमने फ़िश फ्राई किया था वो मसाला भी है उसमें तेल भी है वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ही हमारा तेल है, तो ये मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये वेस्ट ना हो इसलिए ये वाले मसाला भी इसमें ऐड कर देती हूँ और बस अब हम इसे 1-2 मिनट तक और भून लेंगे ताकि अच्छी तरीके से भून जाए और अच्छी तरीके से खुशबू भी आने लग जाए। तो ये हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, ये जो खड़े मसाले हमने ऐड किया था, तेज़ पत्ते और जो हम बॉईल कर रहे थे चावल उसके भी तेज़ पत्ते, तो ये मुंह में आते हैं तो ज़रा मज़े को किरकिरा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सारे तेज़ पत्ते को जमा करेंगे, कलमी को जमा करेंगे और ये सारी चीज़ें हम जिसमें दम लगाने वाले हैं उस डेगची के तले में, मतलब उसके हम तय में इसे बिछा देंगे। उससे क्या होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और आपके जो चावल हैं वो कभी भी नहीं जलते। वैसे तो आजकल के बर्तन नॉनस्टिक होते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती है कि आपके चावल नीचे लगेंगे। तो जो मसाले में हमने खड़े मसाले डाला था वो मैंने सब निकाल लिया, उसे सेपरेट कर लिया और वो मैं यहाँ पे इसके बर्तन की जो तय है उसमें जमा दे रही हूँ। तो ये सब हमने जमा दिया। चलिए अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा घी, क्योंकि ज़्यादा तेल हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर 1-2 चमचे के करीब असली घी डालूंगी, उससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए चलते हैं चावल की तरफ। हमने जो पसा के चावल रखा हुआ था वो हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से बिछा देते हैं। तो देखिए मैंने इसे डाल दिया है चावल को, जिसे लेयर लगाना भी कहते हैं, जिसे तय लगाना भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर चावलों को 2 हिस्सों में बांट रही हूँ, मतलब मैं 2 तय लगाने वाली हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। अब चलते हैं मसाले की तरफ और मसाले की हम एक लेयर लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा मसाला मैं चावलों के ऊपर डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने डाल दिया है मसाला। अब हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं इसके ऊपर और हाथ से तोड़कर 1-2-3 हरी मिर्ची डाल देते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है फिश बिरयानी में। फिर एक और लेयर हम लगा देते हैं इसके ऊपर। तो देखिए इस तरीके से मैंने फिर से एक लेयर लगा दिया चावल की। अब हम फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, हम इस पर डाल देंगे मसाला। तो देखिए मैं मसाला डाल रही हूँ। इतना कुछ आपके लिए हार्ड रूल नहीं है कि पूरी तरीके से सब जगह डलना चाहिए, कहीं डले कहीं नहीं डले तो अच्छा ही लगता है बिरयानी में। फिर से हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और फिर से मैं तोड़ के 2-3 हरी मिर्ची इसके ऊपर डाल रही हूँ। जो बचे हुए चावल थे वो मैंने डाल दिया।
ये जो थोड़े से मैंने चावलों को बचा लिया था ऊपर वाइट रंग के, उसके ऊपर मैं कलर ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने थोड़े से चावलों को वाइट रखा है। मैंने यहाँ पर कलर ले लिया है, 2 पिंच के करीब मेरा ऑरेंज कलर है, और यहाँ पे ये केवड़ा का एसेंस है जो मैं इसमें 3 ड्रॉप के करीब डालूंगी, 3-4 ड्रॉप इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और ये जो है बिरयानी कलर है ऑरेंज रंग का, इसे थोड़े से पानी में घोल लिया है और वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, इसीलिए मैंने थोड़े से वाइट चावल बचा लिया था। अब ये हमारा प्रोसेस हो गया है, अब हम फाइनल स्टेज की तरफ आते हैं। और हमारी जो तली हुई शानदार सी सुरमई फिश रखी है, वो बड़ी एहतियात से इसके ऊपर हम एक तह इसकी लगा देते हैं, मतलब इसे अच्छी तरीके से सजा देते हैं, और बहुत ही प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बस फ्राई की हुई फिश रूखी ही खा लो। तो देखिए, आप भी सोच रहे होंगे, आपके भी पानी आ रहा होगा ना मुँह में, बहुत ही बढ़िया सी हमारी फिश बिरयानी बनके तैयार है। बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से मज़ा आने के लिए, खुशबू आने के लिए हरा धनिया डाल देंगे। जो हमारा बचा हुआ लास्ट मसाला था वो इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, ताकि वहाँ पे भी थोड़े चावलों में मसाले का टेस्ट आ जाए, जो फ्राई की हुई मछली है उसमें भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो चलिए इस पे डाल देते हैं हम थोड़ा सा बचा हुआ हरा धनिया, डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्ची, जिसे रूखा खाना हो हरी मिर्ची के साथ खा सकता है। 3 मिनट के लिए हम इसे सिम पे दम करने के लिए रख देते हैं लो फ्लेम पे। ज़्यादा देर तक दम नहीं करना है, ज़्यादा देर तक दम करने से चावल जो है आपके ठुटर जाते हैं। तो चलिए, हमारी फिश बिरयानी बिल्कुल तैयार है, माशाल्लाह से बहुत शानदार सी। इसे मैं आपको डिश आउट करने का तरीका बताती हूँ। एहतियात से हम बड़े सलीके से फिश के जो पीसेस हैं उसे साइड में कर देंगे, और देखिए चावल यहाँ पर हैं और कितना प्यारा बेहतरीन कलर आया है, बहुत ही लजीज बनी है बिरयानी और शानदार खुशबू भी आ रही है। आप इस बिरयानी को ज़रूर स्टेप बाय स्टेप बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, इंजॉय करिए। इसे आप ककुम्बर प्याज और दही वाले रायते के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे anjums.kitchen को फॉलो करिए, ताकि हमारा और आपका ये सफ़र जारी रहे। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।